हेलो फ्रेंड्स आप सब लोगों का स्वागत है तो मैं बसंत गुप्ता आज आपके सामने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं तो क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली हैं ठीक है और ये फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा ये सब चीज़ों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं तो डियर यू पी एस सी ई एस सी दो हज़ार तेईस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये नोटिफिकेशन आप यू पी एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं ठीक है डियर तो ये नोटिफिकेशन है और इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है डियर इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो फोर्टीनथ ऑफ सप्टेम्बर से स्टार्ट हो गया है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑनलाइन अप्लीकेशन कैन बी फिल्ड फ्रॉम फोर्टीन ऑफ सप्टेम्बर टू फोर्थ ऑफ अक्टूबर तो फोर्थ अक्टूबर सिक्स पी एम तो चार अक्टूबर छः बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देना है तो चौदह सितंबर से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है फटाफट से जाके इसका फॉर्म भर दीजिए डियर ठीक है और यहाँ पे डियर जो आपकी ब्रांचेस कौन कौन सी ब्रांचेस हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे आप लोगों के पास है फिर भी मैं आपको ब्रीफ़ में यहाँ पे बता दूंगा और अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो डियर यहाँ पे जितनी वैकेंसीज़ हैं देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि आ, जो रिक्रूटमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेड टू द सर्विस पोस्ट अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आप ये फॉर्म भर सकते हैं अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो डियर यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 327 वैकेंसी है थ्री ट्वेंटी सेवन वैकेंसीज बार आने वाली हैं, इंक्लूडिंग इलेवन वैकेंसी फॉर पर्सन विद बेंच मार्क डिसबिलिटीज सेवन वैकेंसी फॉर लोकोमोटर डिसबिलिटीज इंक्लूडिंग लेप्रोसी ड डॉआरफिज्म एसिड अटैक विक्टम्स एंड मस्क्यूलर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं टू वैकेंसीज फॉर हार्ड ऑफ हियरिंग वन वैकेंसी फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसबलिटीज़ वन वैकेंसी फॉर मल्टीपल डिसबलिटीज़ तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं डियर 327 ट्वेंटी सेवन वैकेंसीज इस बार अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव वैकेंसीज हैं तो थ्री ट्वेंटी सेवन वैकेंसी के आसपास इस बार इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आने वाली हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में तो ब्रांचेज में पेपर होता है कैटेगरी वन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है कैटेगरी टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी थर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कैटेगरी फोर यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अब अगर ये बात करें कि आ, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा और रिजर्वेशन देखिए यहां पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन विल बी मेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द सेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अदर बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज वेल एज पर्सन विद बेंच मार्क डिसबिलिटीज कटेगरी इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसी मे बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहां पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग जो कैटेगरी वन है सिविल इंजीनियरिंग उसमें ग्रुप ए की जो सर्विसेज और जो, जो पोस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये सेवन डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस है सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप ए है सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप ए ए सिविल इन बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस इंडियन डिफेंस सर्विस इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स ए इन एम सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप ए ठीक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ग्रुप ए और जो बी का पोस्ट है वो है ए इन जी एस आई इंजीनियरिंग सर्विस ग्रेड ए इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स इंडियन नेवल सर्विस इंडियन नेवल मटीरियल मैनेजमेंट सर्विस सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस ठीक है डिफेंस एरोनोटिकल क्वालिटी अश्योरेंस सर्विस सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस ग्रेड ए ए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इन बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस ठीक है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एंड सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस ग्रेड बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो हैं ये इलेवन डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं फाइनल अगर आपका सलेक्शन हो जाता है तो इन सब डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलेगा ठीक है रेलवे है नहीं भाई आई में चला गया है वो अलग से एग्जाम होगा ठीक है अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिफरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं ठीक है तो डियर ये जो नोटिफिकेशन है ये आप आ, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं डब्ल्यू करके ठीक है और वैकेंसीज कितने आने वाली हैं तो 327 ट्वेंटी वैकेंसीज हैं और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए ठीक है फोर्टीन तो ऑफ सितंबर से भरना स्टार्ट हो गया जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए और प्रिपरेशन को अपना अब एक बूस्ट दे दीजिए ठीक है अब प्रिपरेशन को बूस्ट करने का टाइम आ गया है ठीक है जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा सर इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का तो आ गया है अब प्रिपरेशन को अपना एक बहुत हाई लेवल पे लेके जाइए और टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाइए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ठीक है क्योंकि टेस्ट सीरीज और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो एग्ज़ाम में आते हैं क्लियर है और कोई भी सब्जेक्ट यूपीएससी के सिलेबस के रिगार्डिंग आपको पता ही है पूरा सिलेबस के रिगार्डिंग या यूपीएससी का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए और इस नोटिफिकेशन में क्या और इम्पॉर्टेंट बातें हैं उन सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा यहाँ पे शॉर्ट में ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया भर दो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है यह बात अपन ने कर ली तो डियर जितने भी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आ रहे हैं चाहे वह पीएस यू की एग्जाम हो चाहे यूपीएससी हो चाहे एस एस सी ले रहा हो जो भी एग्जाम के नोटिफिकेशन है जो भी एग्जाम अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर रहा है जो भी पीएस यू वो सारे नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पर तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको इधर उधर कहीं झांकने की कहीं उधर उधर भागने की जरूरत नहीं है सारी चीजों के फॉर्मेशन आपको इसी एक चैनल से मिल जानी है ठीक है तो मैं आपके साथ आगे जो भी एग्जाम आएंगे और गेट के थ्रू आ रहे हैं या विदाउट गेट वो आ रहे हैं या फिर यूपीएससी ले रहा है या फिर और कोई आपका स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है या एसएससी ले रहा है वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसी चैनल पे ठीक है और ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा है आपके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो इसको लाइक like जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए ठीक है उनका भी भला हो जाए दुआओं में आपको याद रखेगा ठीक है ना डियर तो चलिए फिर अपन नए नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे अब देखते हैं नए नोटिफिकेशन में क्या खास बातें आपके सामने आने वाली है कौन उसको रिलीज करने वाला है जल्द ही मिलेंगे तो तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू